बहुत ज्यादा वेट है, बहुत दिन से जिम वर्कआउट बंद है ना, इसलिए। हे गाइस, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्ट किया नीतीश ने। अब देखो, ये रिक्वेस्ट बहुत ही अच्छा था, थैंक्स नीतीश, क्योंकि मैंने ये टॉपिक बहुत लोगों से सुना हुआ है कि क्या करें, कार्डियो करें या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। उन्होंने कहा था अगर हम ओवरवेट हैं या हम ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं तो हमें कार्डियो करना चाहिए या हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो रहेगा, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आपका वेलकम कर लेते हैं। सो वेलकम टू फिटनेस वर्ल्ड गाइज, आई एम आशुतोष देव राजपूत। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कौन सा आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो देखो, पहले बात करते हैं कार्डियो। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो वर्कआउट किसे कहते हैं? जब हम ऐसा कुछ वर्कआउट करते हैं जिसमें हमें हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, हम हाफने लगते हैं, जैसे आप जंपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, फिर आपका ट्रेडमिल में रनिंग, ये सब अगर वर्कआउट हम करते हैं तो ये हम इसको बोलते हैं कार्डियो ट्रेनिंग। इससे हमारा क्या होता है, कार्डियो वास्कुलर जो हार्ट का बीट होता है, हार्ट बीट होता है उसके, वो फास्ट हो जाता है, अपने नॉर्मल जो होता है उनका लेवल उससे इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कार्डियो, ठीक है। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जब हम कोई भी बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं या ऐसा कुछ बाइसेप चेस्ट या कोई अपने मसल को हीट करते हैं, ग्रो करवाते हैं या टोन करवाते हैं, उसे हम उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है फिर बताता हूं अभी आगे आपको। सो गाइस, अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम फैट लॉस करें तो कौन सा ट्रेनिंग को हम ज्यादा प्रिफरेंस दें, कार्डियो को या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को? देखो, कार्डियो क्या करता है ना, आपका फैट लॉस करवाएगा, मानता हूं करवाता है, बहुत अच्छा फैट लॉस करवाता है, लेकिन जब हम जिम में या घर जिस वक्त हम कार्डियो करते रहते हैं ओनली उस टाइम तक वो फैट लॉस करवाता है, उसके आगे और नहीं करवाता। अगर हम एक घंटा कार्डियो कर रहे हैं तो उस एक ही घंटे के बीच में वो फैट लॉस करवाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम जब ये करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उस वक्त हम वर्कआउट करते हैं उस वक्त तो फैट लॉस होता है, फिर जब हम घर पे जाते हैं या हम रेस्ट लेते हैं या नेक्स्ट डे तक भी उसका प्रोसेस चलते रहता है, इसको बोलते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। ओके, अब लेमैन प्रोस्पेक्टिव से बताता हूं आपको। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं तो हमको एक मसल ग्रुप को हिट किए, अपने बैक चेस्ट या लेग्स को, तो नेक्स्ट डे तक भी उसका या उसके दो दिन तीन दिन तक भी उसका प्रेशर लेग पे बना रहता है। आप देखोगे, आप लेग अगर आज करते हो तो कल आपको पेन होता है या दो दिन के बाद पेन होता है, क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उस मसल को हिट, जो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे, जो मसल ब्रेकडाउन होता है उसको जोड़ने में, उसके फाइबर्स को जोड़ने में, उसको स्ट्रॉन्गर करने में लगे रहता है, उसको कैलोरीज कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है। तो जब हम लेग ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कैलोरीज बर्न करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस में, और जब हम कार्डियो करते हैं हम पर्टिकुलर उसी वक्त बस फैट लॉस करते हैं, उसके बाद और नहीं करते, दिन भर में हम और कुछ कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं। लेकिन हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हम उस वक्त तो करते हैं प्लस हम रेस्ट ऑफ द मतलब आगे वाले दिनों में भी, एक दो दिन आगे तक भी हम फैट लॉस करते रहते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, कार्डियो मतलब फैट लॉस मतलब कार्डियो, ये मतलब ऐसा एक चक्र भी चल रहा है बहुत दिनों से मैं जब से देखता हूँ जिम में भी बाहर में भी, मतलब लोगों को अगर फैट लॉस करना है मतलब कार्डियो करना है, फैट लॉस करना है मतलब कार्डियो करना, नहीं। और मेनली गर्ल्स, देखो आप जिम आते हो आपको लगता है मशीन्स यूज नहीं करना, मशीन्स लड़कों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप भी मशीन यूज करो और उसी से आपका मसल टोन होगा, तो मसल जब टोन होना स्टार्ट हो जाता है तब आपका फैट लॉस भी होगा। और अब जब आप फैट लॉस कर लोगे, फिर से अगर आप कुछ खाओगे पियोगे तो इतना जल्दी आपके फैट बॉडी में नहीं लगता है। बहुत लोग सोचते हैं खाली कार्डियो से ही हमारा फैट लॉस होता है, नहीं, कार्डियो से फैट लॉस होता है लेकिन जितना जल्दी होता है, अगर हम फिर अपना डाइट कंट्रोल नहीं करें या लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फिर उतना ही जल्दी फैट बॉडी में लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तो फैट लॉस जितना ईजी है कार्डियो से इतना ही फास्ट भी बॉडी में लगता भी, उतना जल्दी भी बॉडी में लग जाता है। और रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो बॉडी में इतना इजीली फैट नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी वो मसल, वो जो कैलोरीज आप बॉडी जो भी खाते हो पीते हो तो वो कैलोरीज यूज करता है मसल के मेंटेनेंस में। और जब हम कुछ खाते नहीं, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते नहीं है और खाली कार्डियो करते हैं, और जब हम कार्डियो से स्विच करते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो फैट्स, जो भी हम कैलोरीज सीधे डायरेक्ट फैट सेल्स में जाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस करने के लिए आपके पास मसल्स ही नहीं है ना गाइस, तो कहां से मेंटेनेंस कर पाओगे? सो गाइस, यहां पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जिसके साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब क्या है वो एग्जांपल, देखो अगर एक ट्रक है वो अगर खाली होगा तो वो इतना डीजल कंज्यूम नहीं करता है, वैसे अगर वो ट्रक अगर फुल रहेगा, लोडेड रहेगा मटेरियल से,
तो वो ज्यादा डीजल कंज्यूम करेगा। उसी तरह हमारा बॉडी है, अगर हम ज्यादा उसमें मसल मास रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो लड़कियां घबराना मत, मसल मास रखने से मतलब आप भी मसल टोन कर सकते हो जिम में जाके। मशीन्स खाली लड़कों के लिए नहीं होते, आपके लिए भी होते हैं जैसे मैंने कहा था। तो आप भी टोन करवा सकते हो मसल मसल को, और मसल जितना आपका टोन रहेगा उतना आपका फैट ज्यादा बर्न होगा, इजीली फैट लॉस कर सकते हो, और वो फैट फिर से एक्युमुलेट भी नहीं होगा अगर बॉडी में मसल रहेगा। उसी तरह बॉडी में मसल अगर रहेगा तो फैट जल्दी लॉस होगा, अगर बॉडी में मसल नहीं रहेगा तो फैट लॉस होगा जितने जल्दी उतने जल्दी फैट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था फैट लॉस के बारे में, जो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कंफ्यूज रहते हैं, ये क्लियरेंस था। तो ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा एक सिंगल वर्कआउट आप करोगे जिससे आप फैट लॉस भी कर पाओगे और मसल गेन भी कर पाओगे, अपना बॉडी को टोन भी कर पाओगे, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए ये वर्कआउट है। तो मैं अभी आपको वो शो करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं अभी आपको क्लीन एंड जर्क प्रेस करके दिखाता हूँ, जो सिंगल वर्कआउट जो आपका मसल टोन भी करवाएगा, बॉडी में मसल ग्रो भी करवाएगा और फैट लॉस भी करवाएगा आपका। ओके, तो देखो कैसे परफेक्टली करना है, टेक्निक देखो। तो ये आपने डिस्टेंस पाओ कितना रखना है, जितना आपका शोल्डर डिस्टेंस है, ठीक है। फिर ये आपको इस पोजिशन में ऐसे आना है, देन ऊपर, देन ये, देन कम बैक। अब जब ऊपर ले रहे हो तब एल्बो पूरा सीधा, पूरा एकदम जर्क नहीं देना एल्बो में, हल्का सा एल्बो बेंड करके रखना है, देन गो डाउन, देन लाइक दिस। अगर फिर से ऐसे किए, ठीक है ना। अब जब नीचे आ रहे हो तो इनहेल करो स्क्वाट पोजीशन में, फिर ऊपर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। सो गाइस, सो यही था आपका वो वर्कआउट जो आपका फैट लॉस करवाएगा और बॉडी में मसल ग्रो भी करवाएगा इफेक्टिवली, सिंगल की वर्कआउट है। ओके, सो गाइस, जैसे आपने देख लिया वो वर्कआउट था क्लीन एंड जर्क प्रेस, मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप फैट लॉस भी करोगे और स्ट्रेंथ गेन भी करोगे, मसल गेन भी करोगे, बॉडी को टोन भी करोगे। ओके, तो ये वर्कआउट आप करो। और अगर मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, प्लस कार्डियो भी करो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज्यादा करो, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है इसे एटलीस्ट वीक में 4 times परफॉर्म करो, और कार्डियो को 2 से 3 बस। तो आप बहुत इजीली फैट लॉस भी कर पाओगे और बॉडी में मसल मास भी ला पाओगे, बॉडी को टोन भी कर पाओगे, मसल को टोन भी कर पाओगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फिट रहें, हेल्दी रहें और डाइट फॉलो करते रहें। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय।